हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में, जिसे फैंस को काफी तड़पाने के बाद अब फाइनली रिलीज कर दिया गया है। और सच में ट्रेलर को देखकर मैं इतना ज्यादा खुश हुआ हूं कि मैं आपसे क्या कहूं, क्योंकि ट्रेलर ही उतना ज्यादा जबरदस्त था। लेकिन अगर फैंस की चीजों को साइड में रखकर ईमानदारी से ट्रेलर की बात करूं, तो ट्रेलर को देखकर मुझे जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है, उस पर तो इस वीडियो में बात करना बनता ही है, क्योंकि उस डिसअपॉइंटमेंट के चलते कहीं ना कहीं स्टूडियो की तरफ से इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर जो सबसे बड़ी गलती हुई है, वो कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल साफ साफ नजर आ जाती है। तो अब ट्रेलर को देखकर मुझे क्या क्या डिटेल्स पता चली है, डेफिनेटली मैं उस पर तो बात करूंगा ही, और साथ ही साथ एक मेजर स्पॉइलर के बारे में भी, जिस बात को आपको काफी ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वीडियो स्पॉइलर से भरी पड़ी है। और अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो इस फिल्म के टॉय मर्च के रिलीज की बात को तो आप बिल्कुल भी नहीं भूले होंगे, जिसके चलते हमें इस फिल्म से रिलेटेड काफी सारी डिटेल्स पता चली थी कि किस तरीके से फिल्म में हमें कॉन्ग और गॉडजिला के बीच एक जाइंट बैटल देखने मिलेगी। लेकिन वो बैटल कितनी ज्यादा इपिक होगी, उसका अंदाजा तो आज इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर पता चल गया होगा। लेकिन अब बात करें इसके टॉय मर्च की, तो इसके टॉय रिलीज के टाइम पर हमें ये बात भी पता चली थी कि इस फिल्म में कॉन्ग के पास एक एक्स भी होगी, जिस एक्स को उसने गॉडजिला के ही डॉर्सल प्लेट से बनाई है, जिसे काफी सही तरीके से यूज कॉन्ग ट्रेलर के इस सीन में कर रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कॉन्ग और गॉडजिला की जो पहली बैटल थी, यानी कि सी में, तो हो सकता है कि उसका रिजल्ट कॉन्ग के लिए अच्छा ना हुआ हो, इसलिए कॉन्ग ने जब दूसरी बार गॉडजिला पर हमला किया तो उस बार उसकी प्रिपरेशन बिल्कुल तगड़ी थी। और जी हाँ, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस फिल्म के डायरेक्टर एडम वैनगार्ड्स ने जो प्रॉमिस किया है, उसकी भी वैल्यू बहुत ज्यादा है कि हमें फाइनली इस फिल्म में ये पता चलेगा कि किसने इस बैटल को जीता है। यानी ये बात साफ है कि कोई ना कोई दो में से एक मेन क्रिएचर इस फिल्म की एंड की बैटल में मर जाएगा। और इसके अलावा 1962 की गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म की बात करें, तो उस फिल्म के एंड में जाहिर सी बात है कि कॉन्ग ने ही लड़ाई को जीता था, लेकिन फैंस उस बात से इतना ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हुए थे, जिस पर उस टाइम पीरियड के हिसाब से एक अच्छी खासी कॉन्ट्रोवर्सी भी चली थी। लेकिन अब फाइनली, जैसे कि मैंने कहा, इस फिल्म में हमें वो रिजल्ट देखने मिलेगा जो कि इस फिल्म की पूरी के पूरी टीम की तरफ से एक्चुअल में क्रिएट किया गया है, कि कौन इन दोनों क्रिएचर्स में से सबसे ज्यादा ताकतवर और काफी ज्यादा बेस्ट है। और अगर मैं एज ए फैन कहूँ तो फिलहाल तो मैं कॉन्ग के साथ ही खड़ा हूँ, लेकिन देखा जाए तो गॉडजिला भी कम नहीं है, जिसकी पावर को एक्सप्लोर गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से फैन सर्विस के हिसाब से किया गया था। और हाँ, बर्निंग गॉडजिला को कौन भूल सकता है, जिन पावर्स को गॉडजिला काफी ज्यादा चार्ज होने के बाद ही यूज करता है, जो कि फिलहाल तो वो इस फिल्म में तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो गॉडजिला जैसा खतरा कॉन्ग के सामने खड़ा है, क्योंकि गॉडजिला अपने मुंह से एक लेजर बीम भी निकालता है, और इसी लेजर बीम का सामना करने के लिए कॉन्ग को एक एक्स बनानी पड़ेगी, ताकि वो उस एक्स की मदद से गॉडजिला को एक अच्छा खासा सबक सिखा सके। अब आई नो, ऐसी एक्स बनाने में गॉडजिला को कहीं ना कहीं से तो इंस्पिरेशन मिली ही होगी, लेकिन रूमर यही कहती है कि इसमें हाथ ह्यूमंस का है, जिन्होंने कॉन्ग की मदद की थी इस एक्स को बनाने में। अब इस रूमर पर मुझे तो पर्सनली इतना ज्यादा भरोसा नहीं है, और मुझे लगता है कि कॉन्ग द स्कल आइलैंड के उस एंड की बैटल के सीन की तरह ही कॉन्ग ने ही इस एक्स को बनाया होगा, जिस एक्स में गॉडजिला के डॉर्सल प्लांट तो लगे ही है, और साथ ही साथ उसकी जो ग्रिप भी बनाई गई है, वो भी कोई नॉर्मल वुड की नहीं है, बल्कि उस ग्रिप को किसी दूसरे ही क्रिएचर के बोन से बनाया गया है, जो हो सकता है कि कॉन्ग के माता पिता या फिर एक मरा हुआ गॉडजिला हो, जिसके पूरे के पूरे स्कल को हमने साल 2014 की फिल्म गॉडजिला में काफी अच्छी तरीके से देखा था। और इसी स्कल का यूज हो सकता है कि इस फिल्म में मोनार्क या फिर किसी दूसरी एजेंसी ने की है, जैसे कि एपेक्स ने, जिसका नाम हमने गॉडजिला के यूनिवर्स में कई बार सुना है, खास करके गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर फिल्म में। और अब फिर से एपेक्स जैसा नाम हमें इसके ट्रेलर में भी बिल्कुल साफ साफ नजर आता है, खास करके इस सीन में, जिससे हमें स्टोरी का भी आइडिया होता है और फिल्म में चल रही सारी की सारी सिचुएशंस का भी। जैसे कि इंसानों ने गॉडजिला के अगेंस्ट जाकर ये इरादा इसलिए बनाया क्योंकि गॉडजिला पूरी तरीके से पागल हो गया है, और इस पागलपन के चलते गॉडजिला इंसानों और उनकी की गई क्रिएशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है, जो बात डेफिनेटली गॉडजिला के चाहने वालों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, यानी कि फैंस जो हमें इस फिल्म में भी नजर आते हैं, जैसे कि मिली बॉबी ब्राउन का कैरेक्टर और उसके पिता, जिनका मिशन यही है कि उन्हें पता लगाना है कि गॉडजिला ऐसे ही बेमतलब का इंसानों को
क्यों मार रहा है और वो इतना गुस्से में क्यों है। यानी जो बात हमने गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर फिल्म में सुनी थी कि गॉडजिला हमेशा इंसानियत के साथ खड़ा रहता है और उसी के साथ साथ अर्थ को प्रोटेक्ट भी करता है, लेकिन अब यहाँ पर गॉडजिला अपने उस अर्थ के रूल को फॉलो करते हुए इंसानों को पूरी तरीके से भूल गया है और जो चीज फैंस हर बार चाहते थे वहीं पर गॉडजिला का ज्यादा फोकस है, यानी कि लेट देम फाइट वाला हिसाब, जिससे कि अर्थ अपने नेचर को फिर से काफी अच्छी तरीके से बैलेंस कर लेगी। और हाँ, इस सपने को मिली बॉबी ब्राउन की कैरेक्टर की माँ डॉक्टर इमा रसल ने भी देखा था कि जब भी दो काइजोज लड़ते हैं तो उनकी लड़ाई के बाद जो कुछ भी नुकसान होता है उससे नेचर पहले से भी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से उभर कर अपनी जगह बनाता है। यानी कि जिन चीजों पर नेचर का हक है वो चीज नेचर इंसानों से छीन कर लेता है, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से इंसानों ने अर्थ की हालत पहले से तो काफी ज्यादा बुरी कर रखी है, इसलिए ह्यूमंस को वो चीज नेचर को पे करनी होगी। और बात जाए ट्रेलर के इस बिलबोर्ड वाले सीन पर, तो इस बिलबोर्ड्स को देखकर जैसे कि मैंने कहा हमें काफी सारी जानकारियां पता चलती है, जैसे कि गॉडजिला एपेक्स के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और वो उसकी फैसिलिटी को ही बाकी अटैक्स के बाद पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहता है, जिसका पता शायद मोनार्क वाले भी लगा रहे हैं और मेडिसन की कैरेक्टर भी, वो भी अपने पार्टनर जॉर्ज के साथ मिलकर, जिसके बाद शायद उनकी ये तलाश बैरनी से मिलने के बाद खत्म होगी, जिसके पास उन दोनों के लिए कोई ना कोई तो आंसर होगा ही। और अगर उस आंसर की बात करें तो हो सकता है कि मोनार्क या फिर एपेक्स वालों ने बाकी दूसरे काइजोस को मारकर गॉडजिला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, क्योंकि गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर फिल्म के एंड में गॉडजिला ने किंग के टैग को हासिल कर लिया था और काइजोस उसके सामने पूरी तरीके से झुक गए थे। तो ये सिग्नल गॉडजिला के लिए अच्छा था लेकिन ह्यूमंस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो शायद हो सकता है कि इन्हीं चीजों से गॉडजिला बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा नाराज है, या फिर इसका रीजन मेका गॉडजिला या मेका किंग गिदोर हो सकता है, जो रूमर के अकॉर्डिंग हमें इस फिल्म में देखने मिलने वाला है। लेकिन मेका गॉडजिला की बात करें तो कहीं ना कहीं उसकी कंफर्मेशन तो इस फिल्म का ट्रेलर देता ही है, वो भी ट्रेलर के दो सीन में। एक तो सुन ओरिगोरी की कैरेक्टर रे के इस सीन में, जिनके बैकग्राउंड में चल रहे पूरे के पूरे सिस्टम्स को देखकर ये बात पूरी तरीके से साफ हो जाती है कि शायद उनके पास कंट्रोल मेका गॉडजिला का है, जिसे वो कंट्रोल शायद मोनार्क या फिर एपेक्स वालों के बोलने पर कर रहे हैं। अब एपेक्स पर फिर से आए तो रूमर के अकॉर्डिंग तो कहा यही जा रहा है कि एपेक्स को कंट्रोल मोनार्क वाले नहीं बल्कि एलन जोहन और उनकी पूरी के पूरी टीम करती है, जिन्होंने गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर फिल्म के एंडिंग क्रेडिट सीन में मछुआरों से किंग गिदोर का सर लिया था। और शायद उसी पार्ट को लेकर उनकी पूरी के पूरी टीम, जो रूमर के अकॉर्डिंग इस फिल्म में एपेक्स हो सकती है, यानी कि फिल्म के विलेन जिन्होंने मेका गॉडजिला बनाया, या फिर जैसे कि मैंने कहा मेका किंग गिदोर भी, जिसके लुक को इसके टॉय मर्च के रिलीज के टाइम पर लीक कर दिया गया था कि इस फिल्म में मेका गॉडजिला हमें किस तरीके का देखने मिलेगा। और इस एक्शन फिगर को देखकर तो ये बात साफ है कि मेका गॉडजिला को मरे हुए गॉडजिला के स्कल से बनाया गया है, जो पूरी तरीके से अंडर मोनार्क वालों के आता है, जिसे उन्होंने साल 2014 की गॉडजिला फिल्म में पूरी तरीके से अपने अंडर में लिया था। अब उनके अंडर से हटकर ये चीज एपेक्स में कैसी जाएगी वो भी देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, या फिर जैसे कि मैंने कहा इन सब के पीछे मोनार्क वाले ही हो सकते हैं, जो नहीं चाहते कि इंसानों पर पकड़ गॉडजिला जैसे काइजो बनाए, इसलिए गॉडजिला के रोग हो जाने के बाद उनके पास सबसे बड़ा और आखिरी ऑप्शन कॉन्ग के अलावा कोई भी नहीं, जिसकी जानकारी मोनार्क के पास 70s के टाइम पीरियड से है, यानी कि कॉन्ग द स्कल आइलैंड फिल्म से, जिस फिल्म के एंड में जेम्स और मैंशन ने स्कल आइलैंड जैसी चीज और कॉन्ग से साफ साफ इनकार कर दिया था। लेकिन मोनार्क बेवकूफ नहीं है और उसे पता है कि स्कल आइलैंड जैसी चीज उनकी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, और जी हाँ कॉन्ग भी, जो खुद को स्कल आइलैंड का राजा बुलाता है, या फिर कह लूं अर्थ के पूरे लैंड का। लेकिन पानी पर पूरी तरीके से कब्जा ऑब्वियसली गॉडजिला का है, जिस टेरिटरी में कॉन्ग भी बहुत ही ज्यादा फीका है, और उस सी बैटल से ये बात भी साफ हो जाती है, यानी कि ये इंसानों की एक ऐसी फाइट है जिस फाइट में कॉन्ग का कोई भी लेना देना नहीं, लेकिन उनकी हिस्ट्री के चलते इन दोनों का सामना कभी ना कभी तो होना ही है, जो कि डेफिनेटली इस फिल्म में हमें देखने मिलेगा कि उनकी पास की हिस्ट्री क्या है, जिसके कारण से ये दोनों आपस में लड़ेगी ही और कोई एक ही इन दोनों में से जीतेगा। लेकिन मेरे अंदाजे से कहूं तो मुझे लगता है कि इस फिल्म में भी सिचुएशन को बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जैसी फिल्म की तरह दिखाया जाएगा, यानी कि कोई तीसरा ही विलेन, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बात कर चुका हूं। लेकिन सिर्फ मेका गॉडजिला जैसी ही चीज हमें इस फिल्म में एज ए विलेन देखने नहीं मिलने वाली, बल्कि ट्रेलर में हमें मेका गॉडजिला की झलक के अलावा, जो कि इस सीन में बिल्कुल साफ साफ दिखती है, अगर आपने काफी ज्यादा ध्यान से नोटिस किया होगा तो कि ये गॉडजिला नहीं बल्कि सिल्वर सा दिखने वाला मेका गॉडजिला है। तो इससे हटकर ट्रेलर में काफी क्विक सीन नजीको जैसे काइजो को भी दिखाकर दिया जाता है, जिनकी गिनती फिलहाल तो दो है, और उन दोनों को मारने का काम ऑब्वियसली इस सीन में कॉन्ग कर रहा है। और इसके अलावा हमें एक झलक कैमेजॉर्ड्स की भी नजर आती है, जिनका साइज कॉन्ग के लिए उतना ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन अगर ये बैट यानी कि बैट टाइटन्स झुंड में हो तो इनका डैमेज भी कॉन्ग के लिए अच्छा खासा हो सकता है। और अगर आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी तो उस पर भी बात करते हैं कि कॉन्ग एक्चुअल में स्कल आइलैंड पर है या फिर अर्थ के हॉलो में, जहां पर जाने के बाद उसे उसकी और गॉडजिला की हिस्ट्री बहुत ही ब्रीफ में पता चलेगी कि इतिहास में
में एक जंग हुई थी जो अभी भी इनकम्प्लीट है, जिसे प्रेजेंट की टाइमलाइन में उन दोनों को कम्प्लीट करना है। तो अब इस हॉलो अर्थ के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये जगह अर्थ के कोर के एक ऐसे बीच में है जहाँ शायद बाकी और भी काफी सारे काइजोस है, जिससे कि इस मॉन्स्टर वर्स को फ्यूचर के लिए काफी अच्छी तरीके से और भी ज्यादा सेट किया जा सकता है। इसलिए शायद ये हॉलो अर्थ का कॉन्सेप्ट इस फिल्म में डाला गया होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा बैकग्राउंड की डिटेल्स ये बात तो चीख चीख कर कह रही है, क्योंकि स्कल आइलैंड को हमने अपनी नजरों से कॉन्ग द स्कल आइलैंड फिल्म में काफी अच्छी तरीके से देखा है, जो दिखने में फिलहाल तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो अब इन डिटेल्स के चलते अगर फिल्म के प्लॉट की डिटेल्स की और थोड़ी बात करें तो फिल्म के फर्स्ट हाफ में हमें गॉडजिला और कॉन्ग की बैटल दिखाई जाएगी, जिसका इम्पैक्ट कॉन्ग पर बहुत ज्यादा पड़ेगा और वो यहाँ से सीधे उस हॉलो अर्थ में जाकर अपनी हिस्ट्री और उस बनाई हुई एक्स को लेकर आएगा, जिसके बाद उनका एक बार फिर से सामना टोक्यो जैसी सिटी को डिस्ट्रॉय करते वक्त होगा, जहाँ पर कॉन्ग का पूरा पूरा कंट्रोल गॉडजिला पर बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से होने वाला है। और फिर उसके बाद उनकी इस फाइट को पूरी तरीके से इंटरप्ट मोनार्क या फिर एपेक्स की तरफ से बनाए गए मेगा गॉडजिला की तरफ से की जाएगी, जिसे हराने के लिए ये दोनों शायद टीम अप करेंगे और एंड में कॉन्ग अपना सेक्रीफाइस दे दे। अब पता नहीं ऐसा कुछ फिल्म में होगा या नहीं, लेकिन एज अ थियरी इतना सब कुछ तो सोचा जा सकता है। रीजन है कॉन्ग का कनेक्शन उस छोटी सी बच्ची के साथ, जिसका फायदा मोनार्क वालों ने एनी एंड्रस के कैरेक्टर के बोलने पर बहुत ही अच्छी तरीके से उठाया है। जिस मोनार्क की टीम में हम अलेक्जेंडर स्कारगार्ड्स के कैरेक्टर नेथन और इंजा गोंजालिस के कैरेक्टर माया को देखते हैं, यानी कि मोनार्क वालों ने अपनी साइड कॉन्ग को चूज कर बनाई है, क्योंकि कॉन्ग जो पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है उसे ऐसे ही किसी भी चेन में कैद कर डेफिनेटली रखा तो नहीं जा सकता। इसलिए उस पर थियरी की बात करें तो गॉडजिला के गले में जो बनी हुई कॉलर है उस पर हमें ग्रीन सा लिक्विड भी नजर आता है, जिसे थियरी के हिसाब से देखा जाए तो कहा यही जा रहा है कि शायद ये वही लिक्विड है जिसे पुरानी किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला फिल्म में कॉन्ग पीकर अपनी पावर्स बढ़ाता है, यानी कि एनर्जी ड्रिंक। और उसके अलावा उस फिल्म में तो कॉन्ग के पास लाइटनिंग की पावर भी थी, जो कि हो सकता है कि इस फिल्म में ना हो, क्योंकि इस बार कॉन्ग के पास गॉडजिला का सामना करने के लिए एक एक्स है और एक अच्छा खासा दिमाग भी, जिसे यूज कर कॉन्ग डेफिनेटली गॉडजिला की हालत तो बुरी करेगा ही। लेकिन इस जूस की बात पर मुझे फिलहाल तो इतना ज्यादा भरोसा नहीं है, और मुझे लगता है कि उस कॉलर पर वो ग्रीन सी चीज एक ऐसा लिक्विड होगा जिससे शायद हेल्प लेकर कॉन्ग को बेहोश किया जाता होगा, और कॉन्ग पर कंट्रोल तो उस बच्ची की वजह से ही मोनार्क वालों ने बना ली है, जिसे देखकर कॉन्ग शांत तो होता ही है और साथ ही साथ उसकी बहुत ही ज्यादा केयर भी करता है। मानो जैसे कि कॉन्ग नहीं चाहता कि उस बच्ची पर कोई भी हार्म आए, यानी कि एक तरीके से कॉन्ग उस बच्ची को लेकर ये बात तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझता होगा कि अनाथ होना क्या होता है। और उसके अलावा कॉन्ग हार्ट वार्मिंग तो है ही, जो इंसानों पर भी बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाता है, खास करके लड़कियों और औरतों पर, जिसके चक्कर में कॉन्ग की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा लंबी रही है। तो अच्छा लगा कि फिल्म में उस टच को रखकर गॉडजिला के एक अलग ही साइड को वैसे ही कंटिन्यू फैंस के लिए रखा गया है। और इसके अलावा गॉडजिला को तो पूरी तरीके से शाइन गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर फिल्म में किया गया था, यानी कि अब बारी कॉन्ग की गॉडजिला से काफी ज्यादा है। लेकिन देखा जाए तो इस फिल्म में साफ साफ गॉडजिला के खिलाफ एक साजिश रची गई है, जिसके तहत गॉडजिला उस ट्रैप में फंस गया है और लोगों की नजर में अब वो बुरा भी है। यानी कि इस फिल्म में मेगा गॉडजिला को लेकर कुछ गलत तो डेफिनेटली किया जाएगा, जिसका ब्लेम हो सकता है कि गॉडजिला पर डाला गया हो, और ये बात गॉडजिला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होगी कि उसके अलावा इस दुनिया में कोई और भी उसी के नाम से काफी सारे डिस्ट्रक्शन कर रहा है, खास करके ऐसी जगहों पर जिसे गॉडजिला डिस्ट्रॉय बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, या फिर मेगा गॉडजिला की मदद से जैसे कि मैंने कहा बाकी दूसरे काइजोस को मारा जा रहा है। अब ऐसी हरकतों से तो डेफिनेटली गॉडजिला पूरी तरीके से चिढ़ेगा ही, और ऐसे में उसके सामने कॉन्ग ह्यूमंस की साइड में खड़ा होगा तो वॉर तो बनती ही है। लेकिन कॉन्ग का भी अपना एक अलग ही मसला है, यानी कि वो छोटी सी बच्ची जो मोनार्क वालों के कब्जे में होगी, और ना चाहते हुए भी कॉन्ग को ये लड़ाई लड़नी होगी। और हाँ, इसके अलावा मुझे काफी लोगों ने ये भी पूछा था मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर कि कॉन्ग द स्कल आइलैंड फिल्म के कैरेक्टर्स हमें इस फिल्म में नजर आ भी सकते हैं या नहीं। बल्कि उसका सीधा साफ जवाब है नहीं, क्योंकि फिल्म का टाइम पीरियड 70s के टाइम का था और अब की ये फिल्म प्रेजेंट की टाइमलाइन में है, यानी कि वो कैरेक्टर्स पूरी तरीके से बूढ़े हो गए हैं, और अगर उनका अपीयरेंस फिल्म में होगा भी तो उन्हें काफी ओल्ड एज दिखाया जाएगा, जो कि अगेन रूमर और थियरीज के चलते यही कहा जाता है कि 40 डांस का कैरेक्टर एलेक्स जोनस ही कैप्टन जेम्स कॉर्डन है। लेकिन फिलहाल तो मुझे इस थियरी में इतना भी ज्यादा दम नहीं लगता। इसके अलावा जो फैंस की कंप्लेंट गॉडजिला के एम को लेकर थी, उसे भी इस ट्रेलर के एंड में काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर बताया गया है कि गॉडजिला का एम खास करके कॉन्ग पर तो बिल्कुल भी नहीं चुका था, बल्कि कॉन्ग ने एक्स की मदद से उसे काफी स्मार्ट तरीके से कंट्रोल किया था और थॉर की तरह उसका यूज उल्टा गॉडजिला पर ही किया था। खैर, तो फिल्म की कास्टिंग काफी ज्यादा बड़ी है इस बार भी, और फिल्म के फर्स्ट रिएक्शन की भी बात करें तो उसे लेकर भी प्रेस काफी ज्यादा अच्छा किया गया था कि इस फिल्म में काइजोस के अलावा ह्यूमंस की स्टोरी को भी अच्छी तरीके से ऐड किया गया है, जिसमें हो सकता है कि कुछ चेंजेस भी किए गए हो, जिसे कवर करते हुए मैंने अपने चैनल पर यही कहा है कि फिल्म का पूरा पूरा फोकस उन्हें ह्यूमंस पर नहीं बल्कि इन काइजोस और इनकी पूरी की पूरी दुनिया पर रखना चाहिए, क्योंकि लोगों को यही देखना है। लेकिन फिर भी फिल्म के उस अर्ली रिएक्शन पर मैं कहीं ना कहीं
तो भरोसा करता ही हूँ, जिसका अंदाज आपको भी इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर आ गया होगा। और बाय द वे, इस फिल्म के ट्रेलर को हिंदी में भी रिलीज किया गया है, यानी कि 26 मार्च को ये फिल्म HBO मैक्स के अलावा थिएटर्स में तो रिलीज होगी ही। और जबकि हमारे इंडिया में HBO मैक्स नहीं है, तो इसके ऑफिशियल इंग्लिश ट्रेलर के नीचे तो डिस्क्रिप्शन में ये बात भी साफ साफ लिख दी गई है कि फिल्म को एक्सक्लूसिव HBO मैक्स के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर US के लिए 31 दिनों के लिए रखा जाएगा, जिससे पायरेसी तो होगी ही और साथ ही साथ फिल्म को थिएटर में भी रिलीज किया जाएगा, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट ऑफिशियली कंफर्म 26 मार्च की है। यानी कि मार्च के मंथ में हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग फिल्म भी देखने मिलेगी और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग भी। और इसके अलावा फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज की भी शुरुआत इसी मंथ से होने वाली है, यानी कि इसी मंथ पांडा विजन के पूरे सीजन 1 का पैकअप भी होगा। तो देखते हैं ये फिल्म HBO मैक्स के लिए कितनी ज्यादा प्रॉफिटेबल वंडर वुमन 1984 से ज्यादा साबित होती है, क्योंकि ऑलरेडी इस फिल्म को लेकर हाई फैंस के बीच तो बहुत ही ज्यादा है, जिससे हो सकता है कि सब्सक्राइबर्स के नंबर HBO मैक्स पर और भी ज्यादा बढ़े। लेकिन हाँ, इस फिल्म के अलावा इसी मंथ 29 जैन को HBO मैक्स के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और थिएटर्स में हमें एक काफी अच्छी स्टारिंग फिल्म द लिटिल थिंग भी देखने मिलने वाली है, जिसकी स्टार कास्ट की बात करें तो डेंजल वॉशिंगटन, रेमी मलेक और जारेड लूटो जैसे का नाम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर फैंस को खींचने के लिए काफी है। लेकिन हाँ, हाइप अगर इंटरनेशनल लेवल की चाहिए तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म उस फिल्म में बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, जिसमें से स्टूडियो का पूरा फोकस फिलहाल तो US की ऑडियंस को ही टारगेट करना है, जिनके सब्सक्रिप्शन की मदद से HBO Max भी एक बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है, ठीक डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की तरह, जिसके सब्सक्राइबर्स के नंबर अगर सबसे ज्यादा कहीं बड़े हैं तो वो US ही है, जिनमें रीच फिलहाल तो अभी के टाइम पर HBO Max की उतनी ज्यादा नहीं है, जो कि अगेन मैं कहूंगा कि इस फिल्म से उस पर थोड़ा बहुत या फिर काफी ज्यादा असर तो पड़ेगा ही। वेल, तो ये थी मेरी राय और ट्रेलर में दिखाई गई काफी सारी डिटेल्स को लेकर, जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इस फिल्म के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है। और हाँ, उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीत शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूं जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।